हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। इंटरनल एनर्जी तक करा था हमने, और आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मेन थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, तीन लॉज है टोटल थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के संरक्षण का जो सिद्धांत है, नियम है, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रूप में जानते हैं। अलग अलग तरीके हैं इस बात को बतलाने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए। उसी में से कुछ स्टेटमेंट्स को हम लिख रहे हैं, जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक या सिंपल सा स्टेटमेंट जो आप लोग पहले से जान रहे होंगे एनर्जी से रिलेटेड। सेकेंड स्टेटमेंट है द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होगा। और तीसरा, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। तीनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है, तरीके अलग अलग हुए। ये तीन अलग अलग तरीके हुए, मतलब ओवरऑल तीनों का सेम ही है। सबसे पहला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि हम लोग जान रहे हैं एनर्जी को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना तो ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के एनर्जी को हम लोग अपने आप से डेवलप नहीं कर सकते हैं, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। वह एनर्जी तभी उत्पन्न हो रहा होगा जब उसके बदले में कोई दूसरा एनर्जी खत्म हो रहा होगा। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं, कई तरीके हैं। जैसे सबसे मेन जो होता है वाटर से, जिसको हम लोग टाइडल एनर्जी या विंड एनर्जी कहते हैं। तो टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, विंड एनर्जी जो हवा वाला होता है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो तब प्रोड्यूस हो रहा है जब उसके बदले में कोई ना कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तब वह काम हो रहा है। मोटर चालू किए, मैकेनिकल एनर्जी मिला, तो मैकेनिकल एनर्जी तब प्रोड्यूस हुआ जब वो मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करा। तो एनर्जी को हम लोग खुद से ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल दिए, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल दिए, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल दिए। तो एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी फॉर्म में केवल बदला जा सकता है, इसके अतिरिक्त हम लोग कोई नया तरह का एनर्जी कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और हो रहा है वैसा तो जान लो कि उसके बदले में कोई ना कोई एनर्जी जो है वहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। अब हम लोग काम किए तो खुद का एनर्जी हम लोग का जो है लॉस हुआ। अब बोलोगे एनर्जी तो यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया, तो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? हम जिस पे काम कर रहे हैं उस सिस्टम का एनर्जी बढ़ा होगा, उसका एनर्जी बढ़ा होगा। तो हमारा एनर्जी घटा तो अगला का एनर्जी बढ़ा, मतलब एनर्जी यहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ, मेरा एनर्जी उसमें चला गया, इतना सा काम हुआ है। तो हमेशा इस बात को याद रख लोगे कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कर सकते हैं तो केवल एक चीज़ कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं।
जैसे एक जनरल सा बात जानते होगे, लोग कहते हैं ऐसा, सच्चाई है या क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि किसी का आत्मा जो होता है ना सॉल, वह कभी मरता नहीं है। वह आत्मा है जो एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी में जाता है। जब तक यह बॉडी है मेरे अंदर, वह सॉल है मेरे अंदर, वह आत्मा है। ख़त्म हो गया यह बॉडी, आत्मा यहाँ से निकल करके दूसरे में चला गया, तो डेड होता है कोई बॉडी, आत्मा कभी डेड नहीं होता है। ना तो हम लोग नया आत्मा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। वही चीज़ है कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। दैट्स सेकेंड है द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, कभी बढ़े घटेगा नहीं। यूनिवर्स का मतलब बता चुके थे शुरुआत में ही कि वह कुछ भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिसका एग्जिस्टेंस है वे सब के सब यूनिवर्स कहलाएंगे। तो कुछ भी वैसा आप ले लो, कोई भी ले लो, किसी लोहे को आप गर्म किए तो लोहा में आप जो है सो हीट सप्लाई किए। अब जब वह लोहा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर वह अपना हीट जो है रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में, धीरे धीरे ठंडा होएगा। तो वह जो एनर्जी पहले गेन करा, जो हम लोग एनर्जी उसको दिए, फिर वह एनर्जी रिलीज किया, तो सब कहीं ना कहीं यूनिवर्स में ही है। बस हो रहा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इधर उधर इंटरकन्वर्ट हो रहा है बस। तो इस पूरे यूनिवर्स को यदि हम ले लें तो उसका एनर्जी बोल रहा है कि कंजर्व है, कांस्टेंट है। वह एनर्जी कभी बढ़ता घटता नहीं है, बस उसी एनर्जी का खेल है कि इधर से उधर ऐसे ही चलते रहता है और कुछ नहीं है। तो इसी का यह अगला फॉर्म था। नेक्स्ट है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वह होता है जो सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करता है, ना तो मैटर का एक्सचेंज करता है। जब यह कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा सराउंडिंग के साथ, तो इसके अंदर जो कुछ भी है और जो तुम जितना भी है वह इसी में रह जाएगा, बाहर से इसको कोई लेन देन नहीं है। तो ओवरऑल इसका भी एनर्जी कॉन्स्टेंट ही होना है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जो कि बेसिकली मोटा मोटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। याद रखोगे तीनों एग्जाम में से कोई भी आ सकता है, यही लिख देगा कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, कौन सा थर्मोडायनेमिक्स लॉ है। तो याद रखोगे इसे, तीन स्टेटमेंट, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे में बदल सकते हैं, और उसी के वजह से यूनिवर्स का टोटल एनर्जी है कॉन्स्टेंट, और एक आइसोलेटेड सिस्टम का भी ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। मैथमेटिकली इस बात को यदि हम लोग समझना चाहें, जानना चाहें, तो कैसे, जो स्टेटमेंट हमने लिखा उसके आधार पे यदि मैथमेटिकली इस बात को हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, देखते हैं जरा इसको। जैसे मान लो कि कोई सिस्टम है ए, कोई सिस्टम है ए, इसमें हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। कोई सिस्टम ए है जिसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया हमने, और इसका सिस्टम का जो अपना इंटरनल एनर्जी है वह ई ए के बराबर है, ठीक। ऐसा करने से यह सिस्टम ए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और यह बदल गया सिस्टम बी में, जिसका इंटरनल एनर्जी अब हो गया ई बी, और ऐसा करने से यह सिस्टम ने कुछ वर्क करा डब्लू, जो वर्क डन हुआ इसका, तो यह वर्क डन जो है सिस्टम ए किया। देखो ध्यान से समझोगे, कोई सिस्टम हमने ए लिया, इसे हीट दिए मतलब एक प्रकार का एनर्जी इसको मिला होगा। बदलते हम लोग वर्क और हीट मोड ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र के मोड होते हैं। तो यदि इसे हम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब कि सिस्टम को एनर्जी कहीं ना कहीं से दे रहे हैं, तो उस वजह से यह सिस्टम बी में ट्रांसफॉर्म हो गया और इसके दरमियान ही कुछ वर्क किया, जो वर्क है डब्लू। यार डब्लू इज द वर्क डन बाई सिस्टम ए, नॉट बी, याद रखोगे। अब जैसा कि अभी हमने लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी को कभी क्रिएट डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के पहले का जो एनर्जी है वो बराबर होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का एनर्जी का। यही बात हुआ ना, ट्रांसफॉर्मेशन के पहले का जो एनर्जी है वह बराबर होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का एनर्जी का।
तो यदि हम लोग अप्लाई करें, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यदि हम यहाँ अप्लाई करें, तो टोटल एनर्जी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होएगा टोटल एनर्जी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का एनर्जी है ईए, हीट है क्यू, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ईबी और ये हो गया डब्ल्यू। इसे सिंप्लीफाई कर दो तो Q को हम लिख सकते हैं Eb माइनस Ea प्लस W। तो यहाँ से यह हो जाएगा Q इक्वल टू डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W, इसको वन मान लिया जाए। अब यहाँ जो W है वह हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम। दिस वन जो है दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इस दरमियान कहने का मतलब कि यदि कोई सिस्टम हीट गेन करे और वह कोई वर्क परफॉर्म करे, उस दरमियान उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो, तो बेसिकली यहाँ जो वर्क डन होता है वह प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होता है। वह कौन सा वर्क डन होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होता है। तो यहाँ W is प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, जिसे हम लिखते हैं पी डेल्टा वी W को। तो W का वैल्यू यहाँ इक्वेशन वन में पुट कर दोगे यदि फ्रॉम वन, तो क्या हो जाना है Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी, दिस इज इक्वेशन टू। और यह जो इक्वेशन वन और टू हमने लाया, दीज आर द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इक्वेशंस वन एंड टू आर द मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहाँ से चले थे हम लोग? शुरुआत से कि कोई सिस्टम ए है जिसका इंटरनल एनर्जी ई ए, इसको हमने हीट सप्लाई करा या सिस्टम वर्क किया डब्लू के बराबर और बदल गया सिस्टम बी में। तो जैसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले का एनर्जी ई ए और सप्लाई करा हमने क्यू बराबर होगा बाद का ई बी वर्क डन हुआ डब्लू। क्यू और डब्लू के बारे में कन्फ्यूज नहीं करना है, क्यू एंड डब्लू आर नॉट द रियल एनर्जी, दीज आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो याद रखोगे इस बात को। अब हमने ई ए को उधर ले गया, तो ई बी माइनस ई ए बता रहा है सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कितना चेंज किया डेल्टा ई, डब्ल्यू यहाँ वर्क डन हुआ बाय द सिस्टम जो जनरली प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। आगे इस चीज़ को समझेंगे हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया क्यू बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, इसी को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। इसी को आप लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी, इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये दो इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालने वाले हम लोग इन इक्वेशन से, और वे क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, मेनली इक्वेशन टू को फोकस करेंगे हम लोग, मेनली इक्वेशन टू को। डिफरेंट केसेस अराइजिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू।
नंबर वन, इफ द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, यदि प्रोसेस कैसा हो, एडियाबेटिक हो। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग क्या जान रहे थे बताओ, क्या कांस्टेंट होता था भाई एडियाबेटिक प्रोसेस में? एडियाबेटिक प्रोसेस पहले देख चुके हैं, क्यू जीरो होता था, हीट कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट। अब यदि क्यू जीरो है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, ऐसा था ना, Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा B। अब Q को हमने जीरो करा तो जीरो बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा B, तो यहाँ से P डेल्टा B को लिख सकते हैं माइनस डेल्टा E, P डेल्टा B को लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल्टा E। क्या इससे निष्कर्ष निकला बताओ? तो निष्कर्ष इससे ये निकला कि यदि किसी सिस्टम के हीट को कांस्टेंट रखा जाए, मतलब कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो, तो यदि एक एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो वह जितना भी वर्क करेगा वह बराबर होगा उसके डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी का। लिख सकते हैं ऐसा हम लोग कि एट कांस्टेंट हीट, मतलब इन एडियाबेटिक प्रोसेस द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी एट कॉन्स्टेंट हीट एडियाबेटिक द वर्क डन बाय द सिस्टम, ऐसे लिखते हैं, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। कि यदि कांस्टेंट हीट, मतलब एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो, तो उस दरमियान जो सिस्टम के द्वारा वर्क डन होगा वह बराबर होगा उसके इंटरनल एनर्जी के डिग्री, मतलब उसके इसमें सिस्टम जो भी वर्क करेगा उससे डायरेक्ट उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा, इतना समझ लो। क्योंकि बाहर से हम लोग कोई एनर्जी दे नहीं रहे हैं, हीट कांस्टेंट करके रखे हुए हैं, तो जब बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद भी यदि सिस्टम काम करेगा तो यही बात हुआ कि उसका अपना एनर्जी ख़त्म होगा। मान लो कि आप खाना नहीं खा रहे हो, केवल काम किए जा रहे हो, तो उस केस में तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी वह एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा, और ऐसा यदि होते ही रहा तो फिर सिस्टम तो ख़त्म ही हो जाएगा, उसका सारा एनर्जी निकल जाएगा। तो खाना नहीं खैर केवल काम करते जाए क्या होता है, व्यक्ति फाइनली मर जाएगा, और क्या करेगा, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग उतना ही काम कर पाते हैं या उतना ही काम करना बेहतर होता है जितना एनर्जी हम लोग स्टोर करके रखे हैं खाना खा के। यदि कोई भोजन किए उससे 1000 जूल एनर्जी आपको मिला तो आप 1000 जूल के बराबर ही काम करो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 1000 जूल वाले एनर्जी वाला खाना तुम खाए और काम कर रहे हो 5000 जूल का, तो जो 4000 जूल का एनर्जी है तुम्हारे बॉडी का डिस्ट्रॉय होगा, बॉडी वीक होते जाएगा, फाइनली ऐसा करते करते व्यक्ति जो है सो मर जाते हैं फिर। तो वही चीज़ यहाँ है कि सिस्टम को बाहर से हम कोई हीट को एनर्जी दे नहीं रहे हैं, तो सिस्टम जो वर्क परफॉर्म करेगा तो उससे उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा, सिंपल सी बात है। ये तो एक केस हुआ प्रोसेस एडियाबेटिक है तो। नेक्स्ट, नोट्स में शायद ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप इसे नोट्स कर लोगे वीडियो से। इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल विथ नो चेंज इन फेज, चेंज ना किया हुआ हो और आइसोथर्मल हो। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हमने पढ़ा, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होता है इस केस में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, याद रखोगे इस बात को, आगे बताया जाएगा। एक आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ही तो जान रहे हो ना, टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं करता है, डेल्टा ई इक्वल टू ऑल्सो जीरो, ठीक है। अब यदि डेल्टा ई को जीरो किया जाए तो जो इक्वेशन टू है, फ्रॉम इक्वेशन टू
क्या है, Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो डेल्टा E जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस P डेल्टा V, तो यहाँ से Q इक्वल टू आ जाएगा P डेल्टा V। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, हम सिस्टम को बाहर से कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में जो हीट सप्लाई किया जाएगा सिस्टम को, अब देखो यहाँ हम कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, इधर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, अभी दोनों एक चीज मत समझ लेना, हीट मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कोई दूसरा एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होंगे इसमें, तो यदि हम इसे हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वह हीट जो है बराबर होगा उसके वर्क डन का, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में आप जितना भी हीट दोगे सिस्टम को वह सारा का सारा हीट जो है बदल जाएगा इसके वर्क डन में, मतलब उस सारा से सारा हीट जो है ये वर्क कर लेगा उस हीट का इस्तेमाल करके। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान यदि कोई सिस्टम में हीट सप्लाई किया जा रहा है तो वह टोटल का टोटल हीट जो है बदल जाएगा उसके वर्क डन में, और इस दरमियान सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा, पहले ही हम लोग देख चुके हैं इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा। तीसरा केस ए बी नंबर था सी, यदि प्रोसेस आइसोकोरिक हो, इफ द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, तो यदि आइसोकोरिक प्रोसेस है इसका मतलब हम लोग जाने वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, डेल्टा भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा भी जीरो, तो इस केस में जो हमने पढ़ा है क्यू बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी अब यहाँ जीरो हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई प्लस जीरो ऐसा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उस आइसोकोरिक प्रोसेस के दरमियान वो सिस्टम को जितना भी हीट सप्लाई किया जाएगा वह उसके इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो भी हम लोग कर रहे हैं हीट सप्लाई वह बराबर हो जाएगा उसके इंटरनल एनर्जी चेंज का। तो ये तीन केस आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देते हैं इससे कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। Which one is correct for adiabatic process? Adiabatic process के लिए कौन सही है इसमें से? ऑप्शन होगा ए नंबर में Q इक्वल टू P डेल्टा भी, बी नंबर में P डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा ई, सी नंबर पी डेल्टा भी इक्वल टू माइनस डेल्टा ई, और डी नंबर में होगा क्यू इक्वल टू डेल्टा ई। उसके बाद सेम सिमिलर क्वेश्चन कि द रिलेशन क्यू वी इक्वल टू डेल्टा ई represents an adiabatic process an isothermal process C में an आइसोकोरिक प्रोसेस और डी में
एन आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा एडिया बेटी। तो बस इस रिलेशन को केवल याद रखोगे, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब याद रखो, क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, इस रिलेशन को आप याद रखो बस। यहाँ एडिया बेटिक देगा, तुरंत से क्यू जीरो कर देना, और जब क्यू जीरो कर दोगे तो आ जाएगा ना पी डेल्टा भी बराबर माइनस डेल्टा ई, दिस इज द करेक्ट। अब यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है भाई, क्यू भी ऐसे लिखा हुआ है, बेस में किसी भी चीज़ का समझ जाना वह कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वैसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया जो रिलेशन था, इससे जो तीन कंक्लूजन हमने निकाला था कि यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उस केस में सिस्टम जितना भी काम करेगा वह उसके इंटरनल एनर्जी को घटाएगा, यदि वह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उस केस में डेल्टा ई जीरो हो जा रहा था और वहाँ जो सिस्टम को हीट सप्लाई किया जा रहा था वह उसके टोटल का टोटल वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा था। तीसरा कि यदि प्रोसेस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में सिस्टम को जितना भी हम हीट सप्लाई करेंगे वह उसके इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। बस इतना सा बात को याद रखना है। तो यहाँ से अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से समाप्त होता है, जितना भी इससे हो सकता था, जो अलग अलग तरह का क्वेश्चंस बन सकता है या जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सब हमने करा दिया है, अलग अलग केस भी लेकर के ऑब्जर्व करके इसको। तो इतना कर लोगे आप लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। धन्यवाद।